साथियों आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए ये दो संदेश है इंस्टीट्यूशन्स और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं टीम स्पिरिट से काम करते हैं आज हर युवा को चाहिए कि वो अपने इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा मेरे युवा साथियों आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रख रही है इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हर काम को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है उपहास विरोध और स्वीकृति और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है उदाहरण के लिए कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत हुई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि यह सब भारत में चलने वाला नहीं है देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था योजना लेकर आया उसका भी मजाक उड़ाया कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि यह काम भी करेगा या नहीं लेकिन अब देखिए आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है विरोध हो सकता है लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए उस पर भरोसा बनाए रखिए आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी